लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्भपात के बाद शरीर में होते हैं ये बदलाव, ना करें इनको नजरअंदाज। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी महिला के लिए मिसकैरेज या गर्भपात आसान नहीं होता है। ये अवस्था महिला को ना सिर्फ शारीरिक रूप से कमजोर बना देती है बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ देती है। ऐसा किसी महिला के साथ ना हो इसके लिए जरूरी है कि वो प्रेगनेंसी के इस सफर में सभी तरह की सावधानियां बरतें, यहाँ तक कि अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। इन सब के बावजूद कई बार महिला का स्वास्थ्य सपोर्ट नहीं करता है और उन्हें मिसकैरेज से गुजरना पड़ता है। मिसकैरेज के दौरान काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग कितनी होगी, ये गर्भावस्था को कितना समय हो गया है, इस बात पर निर्भर करता है। बहरहाल गर्भावस्था के बाद महिलाओं के शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं उन्हें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ हम आपको यही सब जानकारी डिटेल में बता रहे हैं। मिसकैरेज के बाद शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं। पहला है वजाइनल ब्लीडिंग। अगर पहली तिमाही में मिसकैरेज होता है तो इस दौरान वजाइनल ब्लीडिंग होना सामान्य है, लेकिन मिसकैरेज होने के बाद करीब एक सप्ताह तक ब्लीडिंग होती रहती है। इस दौरान कुछ महिला को कम तो कुछ महिला को हैवी ब्लीडिंग होती है। कभी कभी ब्लीडिंग के दौरान ब्लड क्लॉट्स भी निकल जाते हैं। जाहिर है मिसकैरेज होने पर आपको घर में रहकर अपना खुद का इलाज नहीं करना चाहिए। इस तरह की घटना घटने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं या डॉक्टर को अपने पास बुलाएं और आपके साथ जो भी हो रहा है उस बारे में डॉक्टर को डिटेल से बताएं। तभी आपका सही तरीके से डॉक्टर इलाज कर सकता है। अगला है गर्भाशय में ऐंठन। मिसकैरेज के बाद कुछ महिला तक गर्भाशय में ऐंठन बनी रहती है। दरअसल गर्भपात के बाद जैसे जैसे गर्भाशय सिकुड़ता है और गर्भाशय की परत और भ्रूण के बचे हुए ऊतक बाहर निकल जाते हैं, जिससे गर्भाशय धीरे धीरे अपने मूल आकार में लौट आता है। मेरा मानना है हैवी ब्लीडिंग होने के कुछ दिनों बाद ये ऐंठन खत्म हो जाती है। अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो बेहतर होगा कि डॉक्टर से संपर्क करके आप अपना सही तरह से इलाज कराएं। अगला है प्रेगनेंसी के लक्षणों में कमी आना। मिसकैरेज के बाद महिलाओं के शरीर में नजर आ रहे प्रेगनेंसी के लक्षण भी कम होने लगते हैं, जैसे मॉर्निंग सिकनेस, फूड क्रेविंग और ब्रेस्ट में टेंडरनेस आदि। यही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली सभी शारीरिक बदलाव मिसकैरेज के बाद कम हो जाते हैं। समय के साथ साथ ये लक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। हालांकि किस महिला में मिसकैरेज के प्रेगनेंसी के लक्षण कितने दिनों में खत्म होंगे ये उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। थकान बने रहना। मिसकैरेज न सिर्फ एक बुरी घटना है बल्कि शरीर में होने वाला बड़ा बदलाव भी है। मिसकैरेज के बाद अक्सर महिला काफ़ी ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस करती है। कई बार गर्भपात के बाद कई महिलाओं के लिए रात को पर्याप्त नींद लेना भी मुश्किल हो जाता है। असल में ये बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है और ये महिला के लिए शॉकिंग भी होता है। कई बार देखने में आया है कि मिसकैरेज के बाद महिलाएँ डिप्रेशन और एंजाइटी से भी परेशान रहती हैं। इस तरह की कंडीशन अक्सर महिलाओं को थकान और कमजोरी भर देता है। शरीर में दर्द होना। मिसकैरेज के कारण महिला को फिजिकल और इमोशनल लॉस फील करती हैं। मिसकैरेज के बाद कुछ समय तक ब्लीडिंग होती है और रक्त के थक्के भी निकलते हैं। ऐसे में महिला की कमजोरी महसूस करना लाजमी है। वहीं कई बार इस अवस्था में उन्हें फिजिकल पेन भी होता है।
कुछ महिलाओं को मिसक्रेज के दौरान लेबर पेन की तरह दर्द का एहसास होता है। वहीं मिसक्रेज होने के बाद रिकवरी प्रोसेस के दौरान शरीर में दर्द बना रहता है। हाँ, समय के साथ साथ इसमें कमी आने लगती है। इसके अलावा समय पर दवा लेने से भी मिसक्रेज के बाद होने वाली समस्याओं में कमी आने लगती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।